नमस्कार दोस्तों, सभी व्यूअर्स का फिर एक और कुंडली एनालिसिस में स्वागत है। सबसे पहले मैं एक मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोबाइल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज को बिल्कुल बिगिनिंग से सिखाऊं। तो मैंने सब लोगों के कहने पर उनकी बातों को मानकर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए बिल्कुल ही नए सिरे से एक सीरीज की शुरुआत की है। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए थे, मगर उनमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सीक्वेंस क्या होगी, उनकी किस तरीके से उन्हें देखें। तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं बिगनिंग से ये पूरी सीरीज सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल को देख रहे हैं अभी, कि आपके मिलने वालों में जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, ये बिल्कुल फ्री या मुफ्त सेवा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मैं सिखाऊंगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसे आप देखेंगे। उसमें जो चीज आपको बाय द वे कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे और मैं आपको सर्टेनली रिप्लाई दूंगा। इस तरीके से हमारा और आपका कॉन्टेक्ट बना रहेगा और आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। अब मैं क्यों मुफ्त में ये सिखा रहा हूं? ज्योतिष का प्रचार करने का मेरे अंदर जुनून है। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस शिक्षा को सीखें, इसलिए मैं बगैर किसी चार्जेस के मैं पढ़ाता भी हूं बहुत जगह पर, तो वहां भी मैं मुफ्त या फ्री ही पढ़ाता हूं, कोई भी चार्जेस नहीं लेता, बल्कि मैं अपनी तरफ से मदद ही करता हूं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिस तरह की भी मदद मेरे से हो सकती है। तो आप लोगों से मगर मैं एक फी चार्ज करूंगा, और फी ये होगी कि आप कम से कम 5 लोगों को मेरे इस चैनल के बारे में बताएं और ये बताएं कि मैं बिगिनिंग से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूं और आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। इससे ज्योतिष के प्रचार प्रसार में आप लोगों का योगदान होगा। बस इतनी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। पिछले 20 साल से मैं ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूं, कई जगहों से मैंने आचार्य के कोर्स किए, तो अपने बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि मेरा काफी टाइम से इसमें पैशन है और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूं। जब से कोरोना आया तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत रिसर्च की और कई सारी टेक्निक्स मैंने डेवलप की, और वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूं। जो लोग ऑलरेडी ज्योतिष कर रहे हैं और यदि वो मेरा वीडियो चैनल को केयरफुली यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो उन्हें पता लगा होगा कि मैंने कई ऐसी टेक्निक दी हैं जो उनको आज तक नहीं मालूम होंगी या किसी को भी मालूम नहीं है। तो मेरी ये ज्योतिष की खोज जारी रहेगी, आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। और मैं शुरू करता हूं आज एक एनालिसिस जो कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, कल ही किसी व्यूअर ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं प्रोफेशन और सर्विस से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं। तो अभी मेरी एक्चुअली एनालिसिस या कंपोजिट टेक्निक से किसी भी इवेंट को हम किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, उस पर एक मैं सीरीज अभी मैंने चलाई हुई है, तो आप लोग देख भी रहे होंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियोस को भी देख लें, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये एक नेटवर्क है जिसका मैं प्रोफेशन से लिंक्ड आपको इवेंट को जस्टिफाई करूंगा बेसिस ऑन कंपोजिट टेक्निक। कंपोजिट टेक्निक में हम क्या करते हैं, जनरली ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को एक से ज्यादा दशा सिस्टमों की जानकारी नहीं होती, होती है तो वो उसका यूज नहीं करते, जल्दबाजी में होते हैं और वो एक ही दशा सिस्टम से प्रेडिक्शन देते हैं। कंपोजिट में हमें एक से ज्यादा दशा सिस्टम को यूज करना है, तो मैं जनरली 3 दशा सिस्टम यहाँ पर लेकर चल रहा हूं। एक विंशोत्री दशा कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट दशा है तो उसे हम यूज करेंगे। दूसरा जैमिनी दशा है, चर दशा होती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एडवांटेज यह है कि किसी भी नेटिव का यदि बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं हो तभी भी इस दशा से हम इवेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं या उसका टाइम बता सकते हैं। जैमिनी दशा का ये एडवांटेज है विंशोत्री दशा के ऊपर। तीसरा हम योगिनी दशा को भी यूज करेंगे। सामान्य तौर पर या जनरली योगिनी दशा और विंशोत्री दशा में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अब मैं प्रोफेशन से रिलेटेड यहाँ पर दशा आपको बताऊंगा इवेंट को। तो प्रोफेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 4 चार्ट लगाए हुए हैं, आप देखिए। सबसे 1 जो यहाँ पर ये चार्ट लगा हुआ है D1 है, ये बर्थ चार्ट है,
या लग्न कुंडली है, इसके नीचे नवांश चार्ट है D9, और प्रोफेशन के लिए हम जो रिलेटेड चार्ट होता है उसे D10 बोलते हैं, D10 या दशमांश कुंडली। यहाँ पे साइड में मैंने एक और कुंडली बनाई हुई है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इसको बोलते हैं राशि तुल्य दशमांश, और प्रोफेशन या व्यवसाय से रिलेटेड प्रेडिक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे 1% लोग भी यूज नहीं करते, मगर मेरे हिसाब से इसके यूज के बगैर प्रोफेशन के बारे में जो भी बातें बताई जाएंगी वो अधूरी होंगी। पूरी तरीके से पता है करना है तो राशि शूल दशमांश को यूज करेंगे। इस पर मेरी कम से कम 300 से 400 कुंडलियों पर पर्सनल रिसर्च है मेरी पिछले 4 साल की, और वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल। तो अब इसको ध्यान से रखें, और जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चाहते हैं और जो इसको प्रोफेशनल लेना चाहते हैं वो इस मेरे सूत्रों को नोट करें। ये सूत्र आपको और कोई भी नहीं बताएगा, डिस्कस नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या किया है मैंने। देखिए, राशि तुल्य दशमांश बनाना बड़ा आसान होता है। जो आपकी दशांश कुंडली है उसमें जिस राशि में जो ग्रह है उन्हें आप बर्थ चार्ट में रख दें ले जाकर। मतलब आप एक कुंडली बनाए, ये जो आपकी बर्थ चार्ट है या जन्म कुंडली को बनाए बगैर किसी ग्रहों के। तो ये जन्म कुंडली मैंने बनाई है, जन्म कुंडली की लग्न 12 है, तो 12 लग्न से मैंने कुंडली बना ली है। जन्म कुंडली की लग्न से कुंडली अलग से बना लेंगे, और उसमें जो दशांश या D10 चार्ट में जो ग्रह जिस राशि में रखे हैं उन्हें इस कुंडली में रख देंगे। जैसे यहां पर देखिए, दशांश में मीन या पाइसेस के अंदर गुरु और शुक्र रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे पाइसेस में गुरु और शुक्र को रख दिया। तो मैं स्टेप फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान है दशांश कुंडली की। आपकी जो जन्म कुंडली है, बर्थ D1 चार्ट है, उसी को फिर से बना दें आप, उसमें कोई भी प्लेनेट या ग्रहों को नहीं रखेंगे। अब ग्रह कौन से रखेंगे, जो दशांश कुंडली में जिस राशि में जो ग्रह है उसको अब इसमें आप रख देंगे, तो जो कुंडली बनेगी उसे हम राशि तुल्य दशांश कहेंगे। इसका क्या यूज करना है वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1997, टाइम है 6:39 AM। AM ही होगा क्योंकि 6:39 मैंने यहां पर यूज किया है, और दिल्ली का बर्थ है। इस नेटिव का जॉब लगा था January 2022 में, तो जॉब में कोई एग्जैक्ट डेट लेना जरूरी नहीं होता, जॉब इज ए प्रोसेस। तो January 2022 में इसका जॉब लगा था। आप खुद कुंडली ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी है। तो इसकी विमशोत्री दशा नेटिव की चल रही थी, वीनस राहु वीनस। दूसरी चर दशा थी जैमिनी कैंसर। चर दशा राशियों की दशा होती है, जिन्हें अभी जानकारी नहीं है वो केवल समझ लें। मैं जब जैमिनी की सीरीज लेकर आने वाला हूं 15 से, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। और योगिनी दशा है पिंगला धान्या। पिंगला सूर्य की होती है और धान्या गुरु या जुपिटर की होती है। तो सूर्य और जुपिटर की है, इनका नाम अलग होता है मगर ये ग्रहों की दशाएं होती है। ट्रांजिट भी मैंने उस दिन का नोट किया है कि शनिदेव 10 साइन में ट्रांजिट कर रहे थे 18 डिग्री पर। डिग्री भी मैंने लिखी है यहां पर, मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस। और जुपिटर बृहस्पति देव 11 साइन में ट्रांजिट कर रहे थे उस दिन। यहां पर मैंने जेमिनी यूज करने के लिए बर्थ चार्ट के अंदर कुछ कारकों को भी मार्क किया हुआ है, क्योंकि प्रोफेशन में अमात्य कारक इंपॉर्टेंट होता है, तो मून अमात्य कारक है उसको मार्क कर दिया है, कारकांश लग्न मार्क कर दिया है, साथ में यहां पर मैंने उत्तर कारक मार्क किया हुआ है, उपपद मार्क किया हुआ है, धारा कारक मार्क किया हुआ है, उत्तर कारक, उपपद, धारा कारक, आत्मकारक, अमात्य कारक, ये इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि ये योगिनी में राजयोग बनाते हैं। योगिनी का सॉरी चर दशा में राजयोग बनाते हैं, जिसे इसका आइडिया नहीं है वो वरी नगर है, वो थोड़े दिन में वो सीख जाएंगे यदि आप मेरे चैनल को कंटिन्यू वॉच करेंगे तो। और 15 से 20 मिनट से ज्यादा आपको वॉच नहीं करना है। एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा मगर कंसेप्ट मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा। अब देखिए क्या है, आपको प्रोफेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं वो होता है लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड आप एक मेरा सूत्र याद कर लीजिए, आपको कोई बताए या ना बताए, लग्न लॉर्ड हर चीज में इंपॉर्टेंट होता है। इंसान की जिंदगी में कोई भी इवेंट होता नहीं है इसके बगैर। लग्न का मतलब हमारा शरीर है, और शरीर का इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। चाहे मैरिज हो, चाहे प्रोफेशन हो, कोई भी इवेंट हो, या आपने मकान खरीदने हैं, तो आपका लग्न लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आप खुद हैं मान के चलिए लग्न लॉर्ड। दूसरा है आपका 10th लॉर्ड। प्रोफेशन का हाउस होता है 10वां भाव, तो 10वें भाव और उसका स्वामी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11th लॉर्ड, 11वां भाव भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम प्रोफेशन करते हैं तो इनकम होती है, इनकम का भाव 11वां भाव होता है।
अब मैंने यहाँ पे लॉर्ड लिखा है मगर आपके लॉर्ड पर सीमित ना रहे, इस भाव से रिलेटेड सभी ग्रह, इस भाव से रिलेटेड सभी ग्रह अमात्य कारक और सिक्स हाउस लॉर्ड लिखा हुआ है, इसको आप लॉर्ड के साथ हाउस भी नोट कर लें। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाते हैं वो लग्न लॉर्ड, लग्न में लग्न लॉर्ड मान के चल रहा हूं मैं केवल, टेंथ हाउस से रिलेटेड प्लेनेट जो उसमें प्लेस दे एस्पेक्ट कर रहे हैं उसका लॉर्ड, इलेवेंथ हाउस से रिलेटेड प्लेनेट अमात्य कारक, और अमात्य कारक जेमिनी का कारक होता है जिसकी सेकंड हाईएस्ट डिग्री होती है, और सिक्स हाउस का लॉर्ड क्योंकि सर्विस को सिक्स हाउस भी रिप्रेजेंट करता है टेंथ हाउस के साथ साथ, और सेवेंथ हाउस भी रिप्रेजेंट करता है आपको ये मैं बता देता हूं। यहां पर सिक्स लॉर्ड के अलावा अब सेवेंथ हाउस भी लिख लीजिए। सेवेंथ हाउस कैसे हुआ, भावत भावम थ्योरी है। कुंडली के जिस भाव से हम जो भी चीज देखते हैं उससे उतने ही भाव आगे चले जाइए वो भी वही रिजल्ट देगा, इसको भावत भावम बोलते हैं। दसवां भाव प्रोफेशन का है तो दस से टेन काउंट करिए आप सातवें भाव पर आ जाएंगे, तो सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ प्रोफेशन। पांचवा भाव एजुकेशन बताया था तो उससे फाइव काउंट करिए तो नवे भाव पे आ जाएंगे, वो भी एजुकेशन होता है, इसी को भावत भावम सिद्धांत या भावत भावम थ्योरी बोलते हैं। अब यहां पर मैं इवेंट को जस्टिफाई करूंगा, यहां पर सबसे पहले राशि तुल्य दशांश के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी ओल्ड टेक्निक जो आप लोग जानते हैं उसी के बेसिस पे मैं बात करूंगा। देखिए दशाएं विमशोत्री दशा है, वीनस राहु वीनस, तो देखिए राहु यहां पर सेवेंथ हाउस के अंदर है, टेंथ हाउस से तो इसका कोई लिंक है नहीं मगर चलो सेवेंथ हाउस के अंदर है तो मैंने बताया सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो राहु सेवेंथ हाउस के अंदर प्लेस्ड है। दूसरा वीनस कैसे आया, तो वीनस का भी कोई लिंक तो हो नहीं रहा है, तो ध्यान से देखिए वीनस का डिस्पोजिटर एक्चुअली जुपिटर है, वीनस जुपिटर की राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो डिस्पोजिटर का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी ग्रह के कार्यकत्व में उसके डिस्पोजिटर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो भाई डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं था मगर मैंने इस तरीके से इसका लिंक एस्टेब्लिश किया है दशा का डी1 से, कई बार डी1 से लिंक ना होकर डी10 से लिंक हो जाए तभी भी इवेंट हो जाता है, ध्यान रखना है हमें, जरूर नहीं है कि लग्न चार्ट से ही हो, यदि उसका डिविजनल चार्ट से भी लिंक हो तो भी इवेंट हो जाता है, पर मैंने यहाँ पे लिंक आपको दिखा दिया है कि राहु जिसकी अंतरदशा है वो सेवेंथ हाउस है, टेंथ से टेंथ है, और वीनस का डिस्पोजिटर जुपिटर है जो कि टेंथ लॉर्ड है, इसलिए टेंथ हाउस से लिंक हो गया इसका। तो इन दिस वे मैंने विमशोत्री दशा से इस इवेंट को जस्टिफाई किया डी1 चार्ट में। अब मैं इसको चर दशा से जस्टिफाई करूंगा, डी1 चार्ट के अंदर ही करूंगा। तो चर दशा थी जेमिनी एंड कैंसर, जेमिनी साइन ये रहा यहां पर और कैंसर ये रहा, तो जनरली क्या होगा आपकी कोशिश होनी चाहिए अंतरदशा पे फोकस करने की। हर बार आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं अंतरदशा बार बार बोलता रहता हूं, क्योंकि जो महादशा है वो तो बहुत लंबे पीरियड की होती है, उसमें तो कितने इवेंट हो जाते हैं, तो महादशा पे उतना फोकस नहीं होना है, अंतरदशा पे होना है। तो मैं यहां पे अंतरदशा देखता हूं, देखिए कैंसर साइन की अंतरदशा है, ये अमात्य कारक रहा, ये फोर साइन जेमिनी में एट साइन को एस्पेक्ट करता है, एट साइन फोर साइन को एस्पेक्ट करता है, तो अमात्य कारक अंतरदशा राशि को एस्पेक्ट कर रहा है, अंतरदशा राशि अमात्य कारक को एस्पेक्ट कर रही है, तो ये भी आपका जस्टिफाई हो रहा है। देखिए प्रोफेशन ये कॉम्बिनेशन है, अमात्य कारक जब भी दशा राशि को एस्पेक्ट करे या उससे दसवें या ग्यारहवें भाव में हो ऐसे समय पर नेटिव का जॉब लगता है, आप इसे नोट कर लीजिए, अमात्य कारक जॉब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो जब भी वो दूसरे पांचवें नवे और ग्यारहवें भाव का कारक है, अर्निंग से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उसमें अमात्य कारक का रोल होगा, तो ये अमात्य कारक यहां पर इसको एस्पेक्ट कर रहा है। फर्दर देखिए जिसकी महादशा है वो दसवें भाव को एस्पेक्ट कर रही है, महादशा इसकी है जेमिनी की, वो टेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रही है, तो टेंथ हाउस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर ये अमात्य कारक की इंपॉर्टेंस क्यों हुई है, इसको एस्पेक्ट कर रहा है, ये धारक कारक के साथ, अमात्य कारक धारक कारक के साथ राजयोग बना रहा है, राजयोग बनता है जब अमात्य कारक धारक कारक या पुत्र कारक को एस्पेक्ट कर ले या एक साथ बैठे हो, तो धारक कारक और अमात्य कारक एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो राजयोग भी बन रहा है अमात्य कारक का, दशा राशि इस अमात्य कारक को एस्पेक्ट कर रही है, इसके बाद दशा राशि टेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रही है, तो सो मेनी एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस इस जॉब को जस्टिफाई कर रहे हैं उस टाइम पर।
नेक्स्ट वन मतलब ये आपका प्रॉमिस बन रहा है उस टाइम पर, इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिट एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करेगा, ध्यान रखना। अब मैं योगिनी दशा पे आ जाता हूं, वो पिंगला दान्या थी सन एंड जुपिटर, तो आपको एक ही मिनट में पता चल जाना चाहिए। देखिए टेंथ लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर की दशा है ये, और सन भी इन्वॉल्व हो गया है यहां पर। सन क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है और दसवें भाव का कारक भी होता है सन, टेंथ हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग कारक सन होता है, तो मैंने सन को भी इन्वॉल्व कर दिया, और सन को आप नहीं भी इन्वॉल्व करते हो तो अंतर दशा का दसवें भाव से लिंक हो गया, तो इसके प्रोफेशन को उस टाइम पर तीनों दशाएं जस्टिफाई कर रही हैं जो मैंने आपके सामने यहां पे प्रेजेंट कर दिया है। सन का भी इन्वॉल्वमेंट बता दिया है क्योंकि सन आपका कारक होता है इसका। फर्दर सन को आप ध्यान से देखिए, सिक्स लॉर्ड है, तो मैंने अभी बताया था सिक्स हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जॉब में, सिक्स लॉर्ड, तो सिक्स लॉर्ड की भी दशा है तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये दोनों ही दशा और अंतर दशा लॉर्ड का D1 के अंदर हमने इन्वॉल्वमेंट बता दिया। ट्रांजिट में लास्ट में लूंगा, अभी हम देखते हैं क्या D9 में भी कुछ बन रहा है क्या। तो D9 और D10 में आपको चर दशा देखने की नीड नहीं है, चर दशा हम मेन चार्ट में ही देखते हैं। D9 के अंदर देखिए जो दशा चल रही थी इस नेटिव की और प्रत्यंतर दशा थी, तो आप टेंथ हाउस D9 में देखिए 7 साइन है, तो वीनस हो गया उसका लॉर्ड, तो वीनस की यहां पर दशा है, ध्यान से देख लीजिए आप, ये दशा और प्रत्यंतर दशा वीनस की है, तो इसलिए यहां पर D9 से भी लिंक होगी दशा आपकी। अब मैं आ जाता हूं फर्दर D10 चार्ट में, कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्या। देखिए तो D10 चार्ट का 10th हाउस देखिए, उसके अंदर जुपिटर वीनस रखे हुए हैं, 10th हाउस के अंदर जुपिटर एंड वीनस है 10th हाउस के अंदर, यहां पर हम देखेंगे तो, और लग्न में राहु है देखिए अब, तो वीनस की दशा है, राहु की अंतर दशा है और वीनस की प्रत्यंतर दशा है, तो दशा लॉर्ड भी यहां पर लिंक हो गया, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड भी लिंक हो गया, और राहु जिसकी अंतर दशा है वो लग्न से लिंक हो गया, तो लग्न से भी यदि वो प्लेनेट लिंक हो जाता है तभी भी जॉब लग जाता है। मतलब अब मैं आपको एंड में बता देता हूं, जॉब के लिए एक्चुअली जो अंतर दशा है वो लग्न छठे भाव, सातवें भाव या दसवें भाव से लिंक होनी चाहिए अंतर दशा, तभी नेटिव का जॉब लगता है, जो मैंने आपको तीनों चार्ट में देखिए आपके सामने जस्टिफाई कर दिया है। अब आता हूं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, ट्रांजिट के बगैर जॉब लग नहीं सकती, प्रॉमिस हो रहा है, दशाएं अब सही आ रही हैं, दशाओं से सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है, मगर ट्रांजिट के बगैर जॉब लग नहीं सकती। तो आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने प्रोफेशन पर एक स्पेशल तरीका बताया था प्रोफेशन पता करने का। प्रोफेशन का लिंक होता है इनकम से, कोई भी नौकरी इनकम के बगैर होती नहीं है, और इनकम के बगैर नौकरी है तो वो प्रोफेशन नहीं है, फिर वो आपकी हॉबी होगी। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था, आप उसे आराम से नोट कर लें। आप 11th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड को ध्यान से देख लें, 11th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड, जब भी नेटिव का प्रोफेशन होगा या जॉब लगेगा तो 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट, 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट लग्न को इन्फ्लुएंस करेगा क्लोज इन डिग्री, लग्न की जो डिग्री है उसके आसपास, पहला कॉम्बिनेशन, या लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा क्लोज इन डिग्री, थर्ड कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड एंड वो सॉरी 11th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड ट्रांजिट में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें ट्रांजिट में, तभी भी नेटिव का जॉब लगता है। दशा वगैरह अभी हमने देख लिया, यहां पर सारी फेवरेबल है और दशाएं सपोर्ट कर रही है। अब देखिए मैं ट्रांजिट का कंसेप्ट लगाता हूं, बहुत लोग 10th हाउस से लगाते हैं, अब 10th पे भी लगा सकते हैं, पर जो मेरी रिसर्च बोलती है और जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उसके हिसाब से 11th हाउस का ज्यादा रोल होता है जॉब में, क्योंकि जरूरी थोड़ी हम नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, हमें कहीं से भी अर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड जॉब। तो अर्निंग से रिलेट कर रहा हूं मैं इसको, चाहे आपके पेरेंट्स ने आपका फार्म छोड़ा हुआ है, खेत छोड़ा है, उससे कमाई हो रही है तो वो भी तो कमाई है, नौकरी करना जरूरी नहीं होता। तो यहां पर मैं अर्निंग से लिंक कर रहा हूं प्रोफेशन को। तो देखिए यहां पर 11th हाउस के अंदर 10th साइन है, 10th साइन का लॉर्ड सैटर्न है, शनि उस टाइम पर, शनि जो ट्रांजिट कर रहा था देखिए 10th साइन में कर रहा था, शनि ट्रांजिट कर रहा था 10th साइन में, तो ये लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, लग्न में 12 है, उसका लॉर्ड जुपिटर है या 10th साइन में बैठा हुआ है, और सैटर्न 10th साइन में ही ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, सैटर्न की डिग्री ट्रांजिट में 18 थी और जो यहां पे जुपिटर है उसकी डिग्री 20 है, तो जो सैटर्न है ट्रांजिट वाला सैटर्न
लग्न लॉर्ड से क्लोज इन डिग्री ट्रांजिट कर रहा है, वो आपका उस इवेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ट्रांजिट वाला प्लेनेट लिफाफे को घर पे डिलीवर करता है, एंड में जो काम करता है वो ट्रांजिट वाले प्लेनेट का होता है, और ट्रांजिट क्लोज इन डिग्री है तो इमीडिएटली हो जाएगा। देखिए कितना क्लोज इन डिग्री है। तो इन दिस वे सैटर्न में जुपिटर देखते हैं, वो 11 साइन के अंदर है, तो जुपिटर 11 साइन के अंदर है तो वो भी सिक्स हाउस को भी आप ले सकते हो, लिंक कर सकते हो। लग्न लॉर्ड का 11th नहीं तो 6th हाउस से भी लिंक हो जाता है, तब भी हम मान सकते हैं। पर चलो आप उसको नहीं भी माने तो मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया वो यहां पर एप्लीकेबल है। कॉम्बिनेशन में फिर से रिपीट कर देता हूं, 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट लग्न लॉर्ड से लिंक हो जाए, हो रहा है यहां पर। 11th लॉर्ड सैटर्न है ट्रांजिट में, वो लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, या लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट 11th लॉर्ड से लिंक हो जाए। यदि जुपिटर यहां पे होता तो वो भी लिंक बन रहा होता, दोनों होना जरूरी नहीं है, या ऐसे लिंक नहीं हो रहे तो दोनों आपस में ट्रांजिट में लिंक हो जाए, लग्न लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड दोनों आपस में, तभी भी नेटिव का जॉब लग जाएगा। तो ये इस तरीके से ट्रांजिट भी इसको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज 11th लॉर्ड लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है उस डेट में। तो ये ट्रांजिट की एक नई टेक्निक है जिसे आप नोट कर लें, डबल ट्रांजिट की टेक्निक मैं यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं। अब आता हूं मैंने ये क्यों बनाया था, राशि तुल्य दशांश के बेस पर। मैं इस प्रेडिक्शन को केवल इसी के बेस पर भी दे सकता था, मगर मैं देता तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपने दशा तो देखी नहीं, आपने ट्रांजिट तो देखा नहीं। ये चीजें अवॉइड करने के लिए मैंने पहले आपको नॉर्मल वे से एक्सप्लेन किया है। अब जो मेरी अपनी थ्योरी है, जो रिसर्च है, जो गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिला है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, उसके व्यूज कम थे क्योंकि लोग जादू टोने इस तरीके की चीजों को ज्यादा व्यूज देते हैं, इनको समझने की कोशिश नहीं करते, जबकि असली एस्ट्रोलॉजी यही है और ये इसी से आप सक्सेसफुल होंगे। क्लासिक्स में जो भी कॉम्बिनेशन बना रखे हैं उनको डीकोड आप नहीं कर सकते, उसको डीकोड करने के लिए बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत होती है, और बहुत लंबे समय से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन्हीं को उनके सूत्र पता है। सूत्र और कुछ नहीं है कि आप जो क्लासिकल्स में कॉम्बिनेशन है उनको प्रॉपर वे में समझ पाए। तो समझ के ये एक सूत्र है, और ये बहुत ही गूढ़ सूत्र है, और एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर का सूत्र है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। वो बड़े एस्ट्रोलॉजर इन दिस वे नहीं है, लोग ज्यादा नहीं जानते, मगर उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे लोग उनके शिष्य हैं, उनके पास आते हैं सलाह लेने के लिए, ये उनका सूत्र है। तो यहां पर देखिए क्या है, राशि तुल्य दशांश कैसे बनाना है वो मैंने बना दिया था। राशि तुल्य दशांश में आपको ध्यान रखना है, जब नेटिव का जॉब लगेगा तो इन रूल्स को आप लिख लें, आपके काम आएंगे यदि आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो। अंतर दशा प्लेनेट लिंक टू 1, 4, 5, 9 हाउस, राशि तुल दशांश में ये मैंने जो सर्कल किए हुए हैं, इन हाउसेस की अंतर दशा में, इन हाउसेस से रिलेटेड प्लेनेट्स की अंतर दशा में जॉब लगता है। तो इस कुंडली के अंदर मैं देखता हूं कि ये अंतर दशा राहु की है जो इस 4th हाउस से रिलेटेड है, राहु की अंतर दशा है, हालांकि जो दशा है वो इससे रिलेटेड है लग्न से, फर्स्ट हाउस से, मगर मैं अंतर दशा वर्ड लिखा है, अंतर दशा ऑफ प्लैनेट लिंक टू 1, 4, 5, 9 हाउस, तो ये 4 हाउस से लिंक्ड है, इसकी राशि तुल्य दशांश के नियम है, ध्यान रखना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां पर। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए आप, प्रोफेशन क्या देखना है, मतलब कब लगेगा वो, उसका सीधा सा तरीका है कि राशि तुल्य दशांश में पहले चौथवें, पांचवें और 9th भाव से रिलेटेड वर्ड बोल रहा हूं मैं, उसमें हो ऐसे जरूरी नहीं है, उसका लॉर्ड है तो भी चल जाएगा काम, उसे लॉर्ड के साथ जो बैठा हुआ है तभी भी काम चल जाएगा, उन्हें प्लेनेट की अंतर दशा में जॉब लगता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, अब आप कैसे पता करेंगे कि उस नेटिव का जॉब क्या होगा, वो क्या काम करेगा, तो क्या काम करेगा, एक सूत्र क्लासिकल सूत्र है पुराना कर्मजीवी के बेस पर, वराहमिहिर ने जो सूत्र दिया था वो सूत्र है, वो क्या कहता है कि D1 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है, बर्थ चार्ट का 10th लॉर्ड, जैसे इसके इसमें बर्थ चार्ट में 9 साइन है, उसका 10th लॉर्ड हो गया जुपिटर, वो D9 चार्ट में जिस भी राशि में जाकर बैठ जाता है उसके लॉर्ड के हिसाब से जॉब लगेगा, नेचर ऑफ जॉब वैसा होगा। आज के समय में नेचर ऑफ जॉब निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अलग अलग तरीके के जॉब आ गए हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, पर भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि इसको हम बोलते हैं नवां लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड, D1 चार्ट के 10th लॉर्ड का नवांश में जिस भी राशि में गया है उसके लॉर्ड से रिलेटेड जॉब होगा। तो यहां पर ये D1 चार्ट का 10th लॉर्ड जुपिटर है और वो यहां पे
मून की राशि या चंद्रमा की राशि में चला गया तो उसका चंद्रमा से रिलेटेड जॉब हो सकता है। अब चंद्रमा से रिलेटेड जॉब के लिए आप मेरा किस प्लेनेट से रिलेटेड कौन सा जॉब होता है वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से जॉब होते हैं चंद्रमा से रिलेटेड। दूसरा जो मैंने यहां पर हमारी रिसर्च का जो है वो है, आपको क्या करना है, प्लेनेट रिलेटेड टू D1 लग्न लॉर्ड इन डिटेल। मतलब जो D1 लग्न लॉर्ड है, इसका लग्न लॉर्ड है उससे दशांश में जो प्लेनेट रिलेटेड हो D10 चार्ट में, वो राशि तुल्य दशांश में भी आता है पर मैं दशांश से ही लिंक कर रहा हूं उसको। इसका लग्न लॉर्ड क्या है D1 का, यहां पर जुपिटर है, उससे इसमें जो लिंक्ड होगा D10 में, उससे जो भी प्लेनेट लिंक्ड होंगे, जो भी सब लेने हैं आपको, एक ही नहीं लेना, सारे के सारे प्लेनेट लेने हैं जो भी उससे लिंक्ड है। तो जितने भी प्लेनेट उससे लिंक्ड होंगे, उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कंजक्टेड है, वो सभी प्लेनेट से रिलेटेड जॉब हो सकता है उस नेटिव का। तो यहां पे हम देखते हैं, देखिए D1 चार्ट का जो लग्न लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो जुपिटर यहां पर आकर बैठ गया। इस कुंडली में हम देखते हैं जुपिटर को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो एक तो वीनस हो गया, जुपिटर के साथ वीनस बैठा हुआ है, और कोई है क्या जुपिटर को, इसको कोई एस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है यहां पर इस कुंडली में, हाँ तो केवल जुपिटर बैठा हुआ है। तो इस नेटिव का जॉब वहां से तो मून से रिलेटेड आया और यहां पर जुपिटर से रिलेटेड आ गया, अब वो सॉरी शुक्र से रिलेटेड। तो मून और शुक्र दोनों से रिलेटेड जो जॉब होते हैं वो सॉफ्ट जॉब होते हैं, व्हाइट कलर कॉलर जॉब होते हैं, जनरली लेडीज से रिलेटेड होते हैं, मगर वीनस का जो जॉब होता है आज के टाइम पर वो प्रेजेंटेशन वाला होता है, किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, या ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड होता है। और इस नेटिव का जॉब उसी से रिलेटेड था, वीनस हाई टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इस नेटिव का जॉब वही था आपका, प्रेजेंटेशन का था, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का था, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो भी चीज बनाते हैं वो प्रेजेंट की जाती है, एडवर्टाइजिंग सेक्टर में प्रेजेंट की जाती है, तो वो भी वीनस से रिलेटेड जॉब होगा। इससे रिलेटेड क्या जॉब होता है वो आप मेरे वीडियोस देखिए, मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर उसको बता रखा है, और जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं उससे मेरा थोड़ा अलग व्यू है, और वो भी मैंने बताया हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग साइड से हूं तो मैं उन चीजों को समझता हूं। जैसे यहाँ पर केतु को वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस का कारक ज्यादातर लोग समझते हैं, पर मैं वैसा नहीं समझता, मैंने जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, वीडियोस देखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो मैंने टाइप ऑफ प्रोफेशन देखने का तरीका बताया। अब लास्ट में यहां पर देखिए कि कब जॉब लगेगा, वो मैं इसी चार्ट से बताऊंगा आपको। जब भी इन जो मैंने मार्क किए हुए हैं राशि तुल्य दशांश में, इनसे या इनके लग्न के ट्रेन में, इसमें राशि तुल्य दशांश में इन भावों से पहले चौथे पांचवें और नवे भाव से बेनिफिक प्लेनेट ट्रांजिट करे, या लग्न के ट्रेन में, लग्न का ट्रेन का मतलब वही हो गया आपका, इसकी लग्न का ट्रेन का मतलब हो गया आपका वही, पहले पांचवें या नवे भाव में, वो एक ही बात होगी, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, कोई भी बेनिफिक प्लेनेट जब ट्रांजिट करे, बेनिफिक प्लेनेट होना चाहिए। तो बेनिफिक में मेनली जुपिटर को हम मानते हैं लंबे समय तक, या आपका वीनस हो गया, या मून तो ट्रांजिट करता ही रहता है, तो मून को लेने की जरूरत नहीं है, मून तो हर एक महीने में ट्रांजिट कर जाएगा, तो जॉब तो हर महीने तो लग नहीं सकता। तो वीनस और जुपिटर को मेनली कंसीडर कर सकते हो, और मरकरी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, यदि वो बेनिफिक चार्ट के लिए यदि वो ट्रांजिट कर जाए ट्राइन से, तो उस वक्त पर इस नेटिव का जॉब लग जाएगा। तो उसके ट्राइन में भी कर जाए, मैं दूसरा वर्ड ये बोल रहा हूं आपको, लग्न के ट्राइन में भी यदि वो कर जाता है तभी भी नेटिव का जॉब लग जाएगा राशि तुल्य दशांश के अंदर, आपको ये देखना है। तो ये मैंने तीन कॉम्बिनेशन बता दिए आपको राशि तुल्य दशांश में, तो उसके बेसिस पर हम किसी भी इवेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये मैंने इवेंट ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया था, ये नेक्स्ट मैंने वो बता दिए थे राशि तुल्य दशांश से हम किस तरीके से देखते हैं कि इस नेटिव का मेरी इस टेक्निक के हिसाब से भी जॉब लग रहा है, क्योंकि इसमें अंतरदशा का लिंक है फोर्थ हाउस से। तो अब आपको कभी भी कोई भी कुंडली का एनालिसिस करना है प्रोफेशन के लिए, आप ये वाली टेक्निक मेरी अप्लाई करिएगा, राशि तुल्य दशांश वाली। अब राशि तुल्य दशांश बनाइए और देखिए उस नेटिव की अंतरदशा उसके पहले चौथे पांचवें और नवे भाव से लिंक्ड लग रही है, तो आप कह दीजिए आपका अभी जॉब लग सकता है। ट्रांजिट भी आप देख लीजिए, ट्रांजिट इवन आप D1 चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं,
और इसके अंदर भी देख सकते हैं जनरली, पर मैं ट्रांजिट एडवाइस करूंगा आप डीवन चार्ट में देखिए, जो ट्रांजिट की टेक्निक मैंने अभी आपको बताई है वही टेक्निक आप देखिए डीवन चार्ट के अंदर। तो यदि ऐसा होता है तो फिर आपका ये कॉम्बिनेशन लग जाएगा, आप बता देंगे कि भाई आपका जॉब लगने वाला है। तो अभी यहां पर देखिए, हमने सारे तरीके से मैंने आपको ये कॉम्बिनेशंस बताए कि किस तरीके से वो नेटिव का जॉब लगा जनवरी 2022 में, तो विमशोत्री दशा उसको सेटिस्फाई कर रही है, चर दशा सेटिस्फाई कर रही है, योगनी दशा सेटिस्फाई कर रही है, ट्रांजिट सेटिस्फाई कर रहा है। ये मैंने आपको एक नई टेक्निक सिखाने की कोशिश की है, उसे आप अपने चार्ट्स पर लगाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एंड में आप देखकर कोई भी कमेंट नहीं करते हैं तो उससे लगता है कि मेरा जो प्रयास है शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आप यदि देख रहे हैं आखिर तक, आप देखकर इसे हैं, आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो आपने जब इतना 30 मिनट का वीडियो देख लिया है तो आप कुछ सेकंड लगाकर इसके बारे में कुछ भी अपनी ओपिनियन मुझे जरूर दें, जिससे कि मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं। रिसर्च ही मेरा ऑब्जेक्टिव है और उससे आपके इनपुट्स मेरी हेल्प करेंगे काफी ज्यादा। तो आप इन्हें कुछ चार्ट्स पर लगाएं और मुझे बताएं, नहीं लग रहा है तो भी बताएं, तो मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर पाऊं। नमस्कार, धन्यवाद।